वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल इमर्स। बच्चों, आर ओ ए आर ओ की वैकेंसी आ गई है, जिससे रिलेटेड हम लोग कुछ बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है। तो जैसे जिन बच्चों को ये रहता है ना कि मैम हमने बी एड कर लिया है, बी टी सी कर लिया है, और हमने सी टेट, सुपर टेट, यू पी टेट सब कुछ कर लिया है, बट सुपर टेट की अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, हम क्या करें क्या ना करें। तो बच्चों, आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने इतना सब कुछ कर भी लिया है, अन्यथा नहीं भी किया है, तो आप लोग प्लीज़ खाली मत बैठो, क्योंकि खाली बैठना एक तरीके से आपके लिए बहुत निगेटिव इम्प्रेशन छोड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो भी फॉर्म वगैरह आते हैं, आप उनको देखिए, उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करिए, और इनमें अप्लाई करने की कोशिश करिए, इनके बारे में पढ़ने की कोशिश करिए। क्योंकि आप लोग जहाँ तक के देखिए, आप लोग सुपर टेट वगैरह की तैयारी तो कर ही रहे हैं, तो जो आपका सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम ही है, ठीक है। चाहे आप सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपका सिलेबस सेम है, आप अन्य किसी टीचर की डी ट्रिपल एस बी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपका सिलेबस जो है वो बहुत सेम है। थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज होगा बच्चों, प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, थोड़े से गेस्ट आए हुए हैं घर पर। तो आपको बता दें कि अगर आपने बी एड बी टी सी किया है तो भी ठीक है, और नहीं किया है बच्चों तो भी ठीक है, क्योंकि इसमें बी एड और बी टी सी की एलिजिबिलिटी आपसे नहीं मांगी गई है। योग्यता में आपसे सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा गया है, अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। बच्चों, ज़्यादा कोई फीस नहीं है, सिर्फ 125 रुपये फीस है, तो आप लोग ज़रूर भर के कोशिश करिएगा और इस चीज़ की थोड़ी सी तैयारी करें, जिससे कि आपका जो भी एक, अगर आप लोग तैयारी भी कर रहे हैं तो वो आपकी प्रैक्टिस में एक सुधार दिखाएगा कि आप कितना इसमें स्कोर कर सकते हैं और कितना नहीं कर सकते हैं। आवेदन के लिए अगर आपको बता दें तो 1 जून से लेकर के, या फिर लास्ट जून से आप मान के चलिए 15 जून मान लीजिए, अप्रॉक्स 15 जून से लेकर के आपको जुलाई के बीच में इसका आवेदन फॉर्म, यानी कि जो फॉर्म है वो देखने को मिल जाएगा और आप आवेदन कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चों में ये भी रहता है कि भाई जैसे KVS वगैरह है कि उसमें इंटरव्यू होता है, बच्चे पेपर तो क्वालिफाई कर लेते हैं बट इंटरव्यू में आकर के फंस जाते हैं। तो बच्चों, ये भी आप लोगों के लिए एक प्लस पॉइंट है, हालांकि अगर एक प्लस पॉइंट है तो एक निगेटिव पॉइंट भी होगा, तो पहले प्लस जान लेते हैं फिर निगेटिव जानते हैं, ताकि हम लोग थोड़ा सा रिलैक्स फील करें। तो बच्चों, इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है ना। तो देखिए, कुछ भी तो मांगा नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन मांगा है, और होपफुली कि आप लोगों ने ग्रेजुएशन तो सभी लोगों ने किया हुआ है ना। अब बच्चों, हम लोग पेपर की अगर डिस्कशन कर लें तो पेपर, दो पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो होगा उसमें 140 क्वेश्चंस होंगे, 140 मार्क्स के। इसका जो सब्जेक्ट है बहुत कॉमन है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, साइंस इकोनॉमिक है, करंट अफेयर है, EVS है यानी कि आपका एनवायरनमेंट, और यूपी स्पेशल यानी कि यूपी से रिलेटेड जो भी न्यूज़ वगैरह होता है, थोड़ा सा कौन सी चीज़ कहाँ की फेमस है, कहाँ की नहीं है, कौन से इंस्टीट्यूट वगैरह कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं, ठीक है। और जो आपने प्लस पॉइंट देखा था कि इंटरव्यू नहीं है, तो नेगेटिव पॉइंट ये है कि पेपर 1 में आपका नेगेटिव मार्किंग है। ऑलराइट, पेपर 2 की बात कर लें बच्चों, तो पेपर 2 60 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन आएंगे, और इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी होगा, ओनली हिंदी। हिंदी में पर्यायवाची, विलोम शब्द, विशेषण, तत्सम तद्भव, ठीक है, तत्सम तद्भव, ये सब है। और जो आयु है वो आपकी 21 से 40 वर्ष के बीच में रखी गई है। इसके अलावा जो भी इसकी आवेदन वगैरह का जो भी फॉर्म वगैरह है, जैसे ही जून में आता है वैसे ही आप लोगों को सूचित किया जाएगा, ठीक है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी न्यूज़ है और बहुत अच्छी वैकेंसी है, तो आप लोग कोशिश करिए कि आप इसके फॉर्म को भरें, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को एक लेवल पर पहुँचाएँ, और अपने आप का भी एक टेस्ट कर सकते हैं कि अगर आप ये पेपर निकाल सकते हैं तो आप सुपर टेट वगैरह भी आराम से निकालने के लिए, ठीक है, फिर आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है, और जहाँ कहीं भी गलती हो वो आप लोग पता कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, और पॉज मत लीजिए, स्टॉप मत करिए, अपना कुछ ना कुछ करते रहिए, लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना सेल्फ स्टीम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। सो गो फॉर इट, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।